हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इक परते से बनने वाले शब्द। जितनी भी हमारी हिंदी वर्णमाला की या फिर हिंदी भाषा की शब्दावली है, उसमें सबसे ज़्यादा जो शब्द बने हुए हैं वो इक परते से जुड़कर बने हुए हैं। एक परते से जुड़ने वाले, जुड़कर बनने वाले शब्द जो हैं हमारे हिंदी भाषा की शब्दावली में सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ हिंदी भाषा के ऐसे शब्द लेकर आए हैं जिनमें एक परते से जुड़कर हमारा शब्द बनता है और उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक परते से जुड़कर बनने वाले शब्दों के बारे में हमारा आज का टॉपिक है, एक परते से जुड़कर बनने वाले शब्द। ये हमारा फार्मूला है, ये है हमारा फार्मूला यानी के सूत्र जिसका प्रयोग हम करेंगे इन शब्दों में एक परते जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, किसी भी शब्द में जब हम परते जोड़ते हैं तो उस शब्द का पहले वर्ण विच्छेद किया जाता है। अभी वर्ण विच्छेद क्या होता है, यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना, यानी व्यंजन को अलग और स्वर को अलग अलग करके लिखना ही शब्द का वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसा हमारा पहला शब्द है विचार, हमारा पहला शब्द है विचार और इसमें जोड़ना क्या है हमें, एक परते। ठीक है, अब एक परते जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा उस शब्द का, यानी मूल शब्द का पहले वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। और हमारा मूल शब्द कौन सा है, विचार, और परते कौन सा है, एक। ठीक है, तो हम पहले विचार शब्द का जो है वर्ण विच्छेद करेंगे। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। ठीक है, ये आ की मात्रा है और ये र के बाद हमारा अ है और ये हमारा एक परते ज्यों का त्यों। ठीक, हमारा परते का नियम कहता है कि सबसे ज्यादा परिवर्तन कहाँ होगा, वर्ण के सॉरी शब्द के प्रथम स्वर में और शब्द के यानी मूल शब्द के अंतिम स्वर में। यहां दो स्वर पर ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारा मूल शब्द है, जिस शब्द में हम एक परते जोड़ रहे हैं, उस शब्द का प्रथम स्वर और अंतिम स्वर, इन दो पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। परिवर्तन कहाँ होगा, देखिए, जो हमारा प्रथम स्वर है किसी शब्द का प्रथम स्वर, वो हमें भले यहां मिल जाए, यहां मिल जाए या यहां मिल जाए, आप देख रहे हैं कि हमें जो है वो के बाद जो है छोटी ई है और ये हमारा विचार शब्द का प्रथम स्वर है और इसका जो परिवर्तन होगा प्रथम स्वर का वो इस टेबल के अनुसार होगा। ठीक है, यदि ई और ई होगा, ए आई होगा तो आ हो जाएगा, यदि अ या आ होगा तो आ हो जाएगा, यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ होगा तो वो औ हो जाएगा, यदि री होगा तो वो आर हो जाएगा और र में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका परिवर्तन किसमें होगा, आप देख लीजिए, इसका जो परिवर्तन होगा वो होगा इस टेबल के अनुसार। यहाँ ई है तो इन चारों का जो है ए बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए। ये चौका त्यों रहना है, ये च भी चौका त्यों रहना है और ये हमारा आ भी चौका त्यों रहना है और र भी हमारा जो का त्यों रहना है। ये जो हमारा अंतिम स्वर है, विचार शब्द का अंतिम स्वर, उसके स्थान पर हमारा एक परते जो का त्यों आ जाएगा, इसके स्थान पर ये आ जाएगा। जो भी हमारा अंतिम स्वर होगा उसके स्थान पर रिप्लेस कर देगा हमारा एक परते। ठीक है, तो इसको तो ये पूरा करेगा, इसको ये पूरा करेगा और इसको ये पूरा करेगा। अब इसको ये पूरा करेगा तो क्या होगा, हमारी दो मात्रा आ जाएंगी, च में आ तो चा हो जाएगा, ये छोटी की मात्रा तो ये ऐसे आ जाएगी, इक जो है जो का तुम शब्द बन जाएगा वैचारिक।
देखिए विचार शब्द में हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, वैचारिक, यानी जो विचारों की बात करने वाला हो। ठीक है, विचार से मैं हमने एक प्रत्यय जोड़ा वैचारिक, यानी वह वैचारिक बात कर रहा था, विचारों से संबंधित बात कर रहा था, वैचारिक। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं। ऐसे हमारे जितने भी शब्द हैं ये सब ऐसे ही जुड़कर बन जाएंगे। मैं चार या पांच शब्दों का आपको दिखाऊंगा, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे ज्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं सर, यहाँ सप्ताह और इसमें जोड़ रहे हैं हम एक प्रत्यय। ठीक है, अब इसका वाणी विच्छेद करेंगे, स के बाद हमारा दिखाई दिया हमें ओ, प हमारा जो है वो स्वरविहीन है। ठीक है, त के बाद हमें क्या दिखाई दिया आ, और ह के बाद हमें क्या दिखाई दिया आ, और ये हमारा एक प्रत्यय जगाते हूँ। ठीक है, परिवर्तन कहाँ होना है, देखिए परिवर्तन होना है हमारे प्रथम स्वर में, अंतिम स्वर में, इसका परिवर्तन इसके अनुसार होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आ, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा प जो है वो जोका तो रहना है, स्वरवीन है, ये त के बाद आ जुका तो रहेगा आ, ह के बाद क्या ना है इक। ठीक है, क्योंकि अंतिम स्वर के स्थान पर हमारा इक प्रत्यय जोका त्यों आ जाएगा। तो ये इसको पूरा कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है, तो ये बन जाएगा सा, प जुका तो रहेगा हमारा ता, है पर छोटी की मात्रा क, साप्ताहिक। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साप्ताहिक। ठीक है, जो सप्ताह में आने वाला साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्र ऐसे बोलते हैं ना, जो सात दिन में एक बार आता है, साप्ताहिक। कहां सप्ताह था, यानी एक सप्ताह सात दिन समय, हमने उसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया, सात दिन के बाद आने वाला। ठीक है, अगला देखिए, हमारा अगला शब्द क्या है, मैं छोटा शब्द ले रहा हूं, बाकी अपने आप आप बना लोगे, अगर आप नहीं बना पाए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, जीव में हमने एक प्रत्यय जोड़ा, ज का हमने किया वर्ण विच्छेद, तो यहां बड़ी की मात्रा आ गई, और व के बाद हमें दिखा दिया अ, और इसमें एक प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए आप परिवर्तन किसमें होना है, परिवर्तन हो रहा है मूल शब्द के प्रथम स्वर में, यानी इसमें और इसमें, इसके स्थान पर यह आ जाएगा और इसका परिवर्तन इसके अनुसार होगा, यानी ये बदल जाएगा अय में। ठीक है, यहाँ ज जुगा तो रहेगा, व के बाद तुरंत एक प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, जैविक, जीव से संबंधित जैविक। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं एक शब्द और ले रहा हूं, स्वाभाविक, स्व भाव में जो है हमने क्या जोड़ना है, एक प्रत्यय। ठीक है, इसमें हमें एक प्रत्यय जोड़ना है, आप देख रहे कि यहाँ आदेश स के बाद कोई व्यंजन स्वर स्वर नहीं है, व के बाद हमें यहाँ स्वर मिला, भ के बाद हमें यहाँ आ मिला, और व के बाद हमें यहाँ अ मिला, एक प्रत्यय ज्यों का त्यों। परिवर्तन कहाँ होगा देख लीजिए, परिवर्तन प्रथम स्वर में होगा, अंतिम स्वर में। अब देखें यहाँ, यहाँ स के बाद कोई स्वर नहीं है, ठीक है, तो हमें पहले स्थान पर स्वर नहीं मिला, हमें दूसरे स्थान पर स्वर मिला है, परिवर्तन भी यही होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन यहाँ होना है, यानी आ हो जाएगा। ठीक है, ये स जुगा तो रहना है आदाई, और ये व जुगा तो रहना है, और यहाँ हो गया हमारा आ, भ के बाद अ, व के बाद हमारा एक प्रत्यय। ठीक है, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाए, स्वा भाविक। ठीक है, जो बात कहते हैं ये बात तो स्वाभाविक है, ठीक है, स्वभाव संबंधित है, यहां ऐसे आपका हो जाएगा।
आप इनको आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां भी किसी शब्द में आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स करके तुरंत बताएं, सर हमें पितृ में जो है, पितृ में एक प्रत्यय जोड़ना है, नीति में एक प्रत्यय जोड़ना है, पुराण में एक प्रत्यय जोड़ना है, सर्वजन में एक प्रत्यय जोड़ना है, सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या शब्द बनेगा? तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।